कौन है पपला गुर्जर जिसे नारनौल कोर्ट ने बरी किया है, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो देखिए, हरियाणा राजस्थान के नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को नारनौल कोर्ट ने संदीप उर्फ फौजी मर्डर केस में बरी कर दिया गया है। संदीप ही वो शख्स था जिसकी लव स्टोरी के चलते पपला के गुरु शक्ति गुर्जर उर्फ दुधिया का कत्ल हुआ था और इसमें विरोधी चीकू गैंग से मुखबिरी करने का शक संदीप पर था। गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए आम पहलवान विक्रम कुछ दिनों में ही खूंखार पपला गुर्जर बन गया। इससे पहले संदीप के परिवार को ही टारगेट उसने सबसे पहले किया है, जिसके बाद पपला गुर्जर ने ऐसा आतंक मचाया कि संदीप के मामा महेश को सबसे पहले मारा और फिर एक के बाद एक चार हत्याएं उसने की। उसने संदीप के परिवार में हल्स शख्स का मर्डर कर दिया जो उसके खिलाफ इन हत्याओं में गवाह बन गया। मामा के बाद उसने संदीप की मां विमला, फिर खुद संदीप और बाद में नाना श्रीराम को पुलिस सुरक्षा के बावजूद मौत के घाट उतार दिया। तो आखिरी में पपला की दहशत के चलते दोनों परिवारों ने गांव तक छोड़ दिया। हालांकि 2 साल पहले नारनौल कोर्ट ने ही पपला गुर्जर को संदीप की मां विमला के मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। फिलहाल वो गुरुग्राम के भोरसी जेल में सज़ा काट रहा है। उसके अलावा महेश और श्रीराम मर्डर केस में फैसला आना फिलहाल बाकी है। तो संदीप उर्फ फौजी मर्डर केस में पपला की रिहाई कर पर पुलिस की जांच भी है, जो वो अब संदेह के घेरे में आ गई है। संदीप को गोलियों से भूनने वाले बाइक सवार 2 शख्स थे। पुलिस ने पपला गुर्जर के अलावा उन दोनों लोगों को भी गिरफ्तार किया, लेकिन ये दोनों आरोपी भी पहले ही कोर्ट से बरी हो चुके हैं और अब संदीप हत्याकांड के तीसरे आरोपी गैंगस्टर पपला गुर्जर को भी नारनौल की एडिशनल सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो वहीं देखिए, हरियाणा के दक्षिण छोर में राजस्थान की सीमा से सटे महेंद्रगढ़ जिले में गांव खैरोली में जन्मा पपला गुर्जर और संदीप उर्फ फौजी एक ही गुरु शक्ति पहलवान के चेले हुआ करते थे। तो वहीं विक्रम गुर्जर गांव के एक अखाड़े में गुरु शक्ति सिंह के पास कुश्ती के दाव पेच सीख रहा था और संदीप फौजी का आना जाना भी वहां पर लगा रहता था। तो वहीं संदीप फौजी विवाहित था, लेकिन उसका किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये बात जब शक्ति सिंह को पता चली तो उसने पंचायत कर संदीप फौजी को अखाड़े में आने से मना कर दिया। उसके बाद ये जो पूरा विवाद है वो शुरू हुआ और आखिरकार पपला गुर्जर ने संदीप की हत्या कर दी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कॉमेंट करें।